नमस्कार, मैं सरस्वती विद्यालय कोरेगांव की छात्रा कुमारी पूर्वा सचिन जाधव आपके सामने मेरा देश भारत इस पर मेरा मंतव्य व्यक्त करना चाहती हूँ। अनेकताओं में एकता का देश है भारत। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। देश का नाम भारत पढ़ने पर वैसे तो कई मान्यताएं हैं, लेकिन एक मुख्य मान्यता के अनुसार भारत का नाम राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा था। वैसे तो भारत कोई नया देश नहीं है, बल्कि यह इतना पुराना है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी प्राचीन सभ्यताओं की शुरुआत भी यहाँ से हुई है। इसी कारण इसे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता वाले देश में गिना जाता है। हुई सभ्यता की शुरुआत जहाँ से बड़ा है विद्या का घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मेरे भारत देश ने हर धर्म, भाषा और संस्कृति को अपनाया है। इस देश की संस्कृति एवं परंपराएं पूरे विश्व में विख्यात है। विदेशी भी हमारे संस्कृति का बहुत सम्मान करते हैं और उसे देखने एवं समझने के लिए वो भारत आते हैं। यदि आप विभिन्न मौसमों और भौगोलिक परिस्थितियों का आनंद उठाना चाहते हो तो आपको विदेश की यात्रा से पहले अपने देश की यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। वे सब यहाँ उपस्थित है, चाहे वह पर्वतीय और बर्फीला स्थल हो, दक्षिण की सुंदरता, मरुभूमि हो या घने जंगल, गंगा के मैदान हो या पठारी भाग, समुद्र हो या कलकल करती नदियाँ, क्या नहीं है यहाँ। प्रकृति की कोई ऐसी सौगात नहीं जो भारत देश में न हो। इस देश की मिट्टी को माता के समान माना जाता है। इसमें सिर्फ देवी देवताओं की नहीं अपितु पशु पक्षी पेड़ पौधों नदियों पर्वतों आदि की भी पूजा की जाती है। यह माध्यम है यह समझाने का कि इन संसाधनों के बिना कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता एवं महान नहीं बन सकता। मेरे भारत देश की दुनिया सबसे बड़े देशों में से एक है, जिसकी जनसंख्या आज 100 करोड़ से अधिक है। वो जनसंख्या की दर से विश्व में दूसरे स्थान पर है। यह बड़ा ही लोकतांत्रिक देश है जिसमें सबको बराबर अधिकार दिया जाता है। मैं खुद को बहुत भाग्यवान समझती हूँ, क्योंकि मेरा जन्म इस पावन भूमि पर हुआ है जिसमें वीर योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया है। भगवान श्री राम ने जन्म लिया है। गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदियां यहाँ से बहती है। यहाँ हर नारी को सम्मान दिया जाता है और इस देश की मिट्टी को माता के समान मानकर पूजा जाता है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल हमारे देश में ही है, जो कि हमारे देश की शान बढ़ाता है। यह वीर योद्धाओं का देश है, जिसमें महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, लाला लाजपत राय, चाचा नेहरू और न जाने कितने वीर योद्धा इसमें शामिल है, जिन्होंने अपनी जान को दांव पर रखकर देश को गुलामी से मुक्त किया है और इस देश की रक्षा की है। संसार के नक्शे में भारत न केवल अपनी संस्कृति और परंपराओं से पहचाना जाता है, बल्कि विज्ञान, तकनीकी और प्रौद्योगिकी में भी भारत पीछे नहीं है। मुझे विश्वास है कि यह देश चिरंतर दिन प्रतिदिन विकास की ओर ही अग्रसर होगा। मैं जाते जाते इतना ही कहना चाहती हूँ, मेहरबान वो देश के खातिर खेले खून की होली, मेहरबान वो देश के खातिर खेले खून की होली, राह में क्रांति पथ की बन गए शहीद खाकर गोली। भागे नाओ किसी मोड़ पर मुसीबतों से डर कर, भागे नाओ किसी मोड़ पर मुसीबतों से डर कर, रख दी एक मिसाल वफा की देश के खातिर मर कर। तन मन धन सब किया नीछावर देश के लिए जिन्होंने, तन मन धन सब किया नीछावर देश के लिए जिन्होंने, मरकर भी इस देश को एक नया जीवन दिया उन्होंने, एक नया जीवन दिया उन्होंने। इस सब वीर जवानों को मैं सलाम करती हूँ। जय हिंद।